नमस्कार, AKBN चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं लगातार गवर्नमेंट जॉब से जुड़े अपडेट लेके आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा उसका इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो आज मैं बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है और आप लोगों के मेल पे लिंक भी भेजा होगा उस सिफकॉम नाम से। आप लोग अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे www.sudha.coop पे, तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट खुल के आएगा, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर असिस्टेंट, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जूनियर टेक्नीशियन। तो जिसने जो फॉर्म भरा था उसके हिसाब से वो डाउनलोड करेगा। मैंने असिस्टेंट का फॉर्म भरा था तो इस पर क्लिक करेंगे, और जिन्होंने जूनियर टेक्नीशियन का भरा तो वो इस पर क्लिक करेंगे। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आप में लॉगिन करना होगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत होता है, जो फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को भी मिला होगा। और यहाँ सिक्योरिटी, ये जो दिया हुआ है सिक्योरिटी वर्ड, वो हमें फिलअप करना, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये दोनों हमें डाउनलोड करना है। जब हम डाउनलोड एडमिट कार्ड पे करेंगे तो हमारे सामने हमारा एडमिट कार्ड खुल के सामने आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और जब हम डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म करेंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों के सामने आ जाएगा। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी हमें साथ प्रिंट ले करवा के एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड करके एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना। और साथ में मैं इस वीडियो के डिटेल में और कमेंट में भी डायरेक्ट मैं आप लोगों को ये वाला लिंक प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे लेके आएगा, और डायरेक्ट आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप साथ में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।